हम लोग पूरे परिजन एक साथ हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार जी के साथ सरकार उनका हमसे पूछिए ना कि क्यों रोकवाया जा रहा है। रामविलास पासवान के निधन की खबर से पूरी राजनीतिक गलियारों में दुखी का माहौल है। उसी के साथ खबर यह भी आ रही है कि आज ही उनका पार्थिव शरीर पटना आएगा। इसको लेकर के तमाम जितने भी मीडियाकर्मी हैं, मीडियाकर्मियों के साथ साथ राजनेताओं का एक हुजूम पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिलने लगा है। देखिए, हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पप्पू यादव जैसे सरीख नेता भी पहुंचे हैं, लेकिन वीआईपी कार्यक्रम भी वीआईपी तरीके से होता है, इसलिए वीआईपीओं की एक सूची तैयार करके प्रशासन को पहले से ही दे दी गई है कि कौन कौन पटना एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात कर सकता है, पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर सकता है। इसी के मद्देनजर पप्पू यादव तक का भी वीआईपी सूची में नाम नहीं था। और वो पप्पू यादव से अगर हम ऊपर बढ़े तो खुद रामविलास पासवान के परिजनों का भी नाम सभी का उस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से रामविलास पासवान के दामाद खुद यह आरोप लगा रहे हैं, देखिए यह अपने आप को रामविलास पासवान के परिजन बता रहे हैं, रिश्तेदार हैं यह, और यह आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और इनको लेकर के इनके भी सूची में नाम न होने की वजह से प्रशासन ने इन्हें भी रोक दिया। उसके बाद क्या कुछ इन्होंने कहा है पहले सुनिए आप। एक संविधान, मैं भी एक प्रदेश के अध्यक्ष हूँ आरजेडी का, एससीएसटी प्रकोष्ठ का, तो ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं, प्लीज खेलिए नहीं, नो खेलिएगा, खेलिएगा तो फिर सर खेलिएगा तो फिर हम लोग यहाँ धरना पर बैठ जाएंगे, नहीं खेलिएगा धरना पर बैठ जाएंगे। प्रशासन के द्वारा हम लोग अपने परिजन के साथ आदरणीय पासवान जी की बेटी भी है साथ में, हम लोग प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है जी कि अंदर नहीं जाएंगे यार। अच्छा, और लोग तो जा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? अब ये यहाँ की सरकार देखिए, अंदर नगरी चौपट राज जी जी, हमारी पत्नी रो रही है अपने पिता से अंतिम दर्शन करने के लिए, अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया गया। हाँ, क्या बोला गया? अब उस पुरानी बात को भूल जाइए, अभी पूरे दुख की घड़ी में हम लोग पूरे परिवार हम लोग चिराग के साथ हैं, चिराग मेरे साथ हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा रोकना ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, हम लोग तो धरना पर बैठ जाएंगे, हम लोग धरना पर बैठेंगे, नहीं हम लोग धरना पर बैठेंगे। नेता गिर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आपको नहीं बोल रहा, आपको नहीं बोल रहा। प्रशासन क्यों रोक रही है? अब प्रशासन ना, नीतीश कुमार जी यहाँ के डीजीपी महोदय जवाब देंगे ना। अरे हम लोग तो दुख की घड़ी में हम लोग पूरे परिवार के लोग एक साथ हैं। हाँ, चिराग हमारे छोटे साले हैं, छोटे भाई के समान है, अभी हम लोग के घर में एक दुख की स्थिति है, हम लोग पूरे परिजन के लोग चिराग के साथ है, चिराग मेरे साथ है। जी, ये कहा जा रहा है कि जिसका लिस्ट में नाम जारी है वही लोग याद क्यों, क्या परिजन का किया जा रहा है? क्या परिजन के लिए परिजन का लिस्ट में नाम नहीं है? साधु जी, आपको नहीं लग रहा कि आपके साथ वसूली किया जा रहा है? निश्चित तौर पर यहाँ की सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा, एक पीड़ित परिजन एक बेटी से नहीं मिलने देना प्रशासन की कहने कहीं लापरवाही है। निश्चित तौर पर मैं भी एक जिम्मेदार पद पर हूँ, एससीएसटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लोजपा की तरफ से करवाया गया कि बिहार सरकार? नहीं नहीं, लोजपा तो हमारा, लोजपा से क्यों करवाया जाएगा? चिराग पासवान जी हमारे छोटे साले हैं, दुख के घड़ी में हम लोग पूरे परिवार एक साथ हैं, और कोई भी विपत्ति में हम लोग पूरे परिजन के लोग। आपको बता दें कि आरजेडी के तरफ से यह अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसी के साथ अब यह धरना प्रदर्शन करने की बात भी कह रहे हैं, इनके साथ में इनकी पत्नी भी हैं, और पत्नी भी प्रशासन से गुहार लगा रही है, अब यह सरकार पर एक बार फिर से हमलावर हैं। इसी के साथ पप्पू यादव को भी रोका गया। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन क्या इन्हें जो पटना का एयरपोर्ट पर यह कर पाते हैं या फिर नहीं, या फिर इन्हें अंतिम दर्शन पार्टी दफ्तर में करना पड़ेगा, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे जो सूची बना करके पहले से तैयार करके दी गई है प्रशासन को, प्रशासन उन्हें ही अंतिम दर्शन का इजाजत दे रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आगे के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। नमस्कार। एक और लॉ पप्पू यादव